का आस्था होम्योपैथी क्लिनिक सतेक रोड चिन्हट से। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनिल गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सभी फार्मेसी स्टूडेंट को फार्मेसी की क्लास करवाता हूँ और इसी क्रम में आप सभी को प्री फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मैं जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको हॉस्पिटल्स के बारे में जानना होगा कि हॉस्पिटल्स क्या होते हैं। जैसा कि आपके दिमाग में हॉस्पिटल टर्म आते ही, हॉस्पिटल का नाम आते ही आपको पता चल जाता होगा कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर हम जब जाएंगे तो वहां पर मेडिकल, पैरामेडिकल, लेबोरेटरी के स्टाफ और फिर डॉक्टर्स, नर्सेस, इनकी वेल क्वालिफाइड टीम आपको वहां पर एक मिलेगी और वहां पर विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट होंगी और उन डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले आप सभी को दोस्तों ये जान लेते हैं हम कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल किसे कहते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल कैन बी डिफाइंड एज ए इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह डिफाइन किया जा सकता है जिसमें आपको फिजिशियन, सर्जन और टेक्निकल स्टाफ की एक टीम होती है जिसके थ्रू आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाती है। अब हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ के बारे में हम जानते हैं कि हेल्थ क्या होता है। देखिए, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी या सोशल फार्मेसी के अंतर्गत आपको इसके पहले हमने बता रखा है कि हेल्थ क्या है। जब आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से इन्वायरमेंटली आप अगर अपने आप को फिट मानते हैं या फिट आप बैठते हैं हर तरीके से, आप चाहे फिजिकल आपका देखने में हो, चाहे मेंटल आपका, चाहे आपका स्पिरिचुअल, चाहे इन्वायरमेंटली, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको WHO ने क्या परिभाषा दी थी कि आप हेल्दी हैं, फिर आपको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है किसी। लेकिन अगर आपको किसी डिजीज में है, आप कोई परेशानी से ग्रसित हैं, तो आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, एक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आज मैं आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक थीम दे रहा हूँ जिस पर हम लोग लगातार लेशन या फिर वाइज या फिर लेक्चर के वाइज आप सभी को पूरी क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आप सभी को हॉस्पिटल के बारे में जानना है, हॉस्पिटल क्या है। अब आप हॉस्पिटल जैसे जानते हैं कि हॉस्पिटल का नाम लेते ही आपको यहाँ डॉक्टर की टीम मिल गई, आपको यहाँ डॉक्टर मिल जाते हैं, डॉक्टर मिल गए, पैरा मेडिकल स्टाफ मिला, पैरा मेडिकल स्टाफ, आपको यहाँ फार्मासिस्ट मिला, फार्मा का आदमी मिल जाएगा, आपका यहाँ एक लैब टेक्नीशियन भी मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियन मिलेगा। आप जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर का काम क्या है, आप जानते हैं पैरा मेडिकल स्टाफ क्या काम करता, फार्मा का व्यक्ति क्या करता, फार्मेसी सेंटर और लैब टेक्नीशियन का क्या काम होता है। इसके अलावा भी तमाम चतुर्थ श्रेणी के भी लोग होते हैं, स्वीपर है, आया है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे जिनकी मदद से आपको एक अच्छा स्वास्थ्य यानी आपको हेल्दी किया जाता है, स्वस्थ किया जाता है। हर व्यक्ति का अपना हॉस्पिटल में महत्व है, डॉक्टर का अलग, पैरा मेडिकल स्टाफ का अलग, फार्मासिस्ट है उसका अलग, लैब टेक्नीशियन का अलग, वो जांच करके डॉक्टर के द्वारा दिए गए जांच को क्या करता है, वो जांच करता है और रिपोर्ट बना के डॉक्टर तक पहुंचाता है, डॉक्टर उससे साइन और करता नहीं, ऑथेंटिक है, ठीक है। पैरा मेडिकल स्टाफ, ये जो स्टाफ है आपके साथ लगे रहते हैं, दवाई कब लेनी है, कब लेनी है, कब खाना है, कब बिस्तर बिछाना है, कब आपका सही गंदगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता। इस तरह का जो फार्मासिस्ट होता है वो कैसे, फार्मासिस्ट का हमने परिभाषा आपको फार्मेसी की परिभाषा जो बताई थी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य
ठीक है। तो हमने हॉस्पिटल की बात बताई, तो हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है आप सभी को। और हॉस्पिटल को अगर डिफाइन करना हो तो हॉस्पिटल कैन बी डिफाइंड एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी, जिसमें हेल्थ को क्या किया जाता है कि हेल्थ को एक स्पेशल फिजिशियन, सर्जन, डॉक्टर, इन सब के माध्यम से हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं कि वह एक हॉस्पिटल है। और इसके अलावा भी हॉस्पिटल्स में वर्क होते हैं, जैसे डायग्नोसिस है, थेरेपी है, और प्रिवेंशन है, एजुकेशन है, और रिसर्च है, इस एजुकेशन है और रिसर्च है, इन सब का भी हॉस्पिटल में वर्क है। क्या क्या है, जैसे डायग्नोसिस क्या है, किसी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए बताया गया, प्रिवेंशन कैसे रोकथाम करना है, इसी क्रम में आपको जो है प्रिवेंशन एजुकेशन टीचिंग के फील्ड, और इसी के साथ में रिसर्च भी कराया गया, तमाम समय समय पर तमाम अनुसंधानों को कराया जाता है, जिससे तमाम टाइप का आपको ट्रीटमेंट का बे या डिजीज को कैसे हम उसको पैलिएट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब सारी चीजों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया गया है, और इन सब सारी चीजों का जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है कि जो है ये हॉस्पिटल में डायग्नोसिस क्यों हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में क्यों बताया जा रहा है, टीचिंग क्यों जरूरी है, रिसर्च का अप्रोच क्यों है हॉस्पिटल्स में, ये सब सारी चीजें हॉस्पिटल के अंतर्गत किए जाते हैं। अगर आप फंक्शन ऑफ ए मॉडर्न हॉस्पिटल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, फंक्शन ऑफ ए मॉडर्न, देखिए हॉस्पिटल छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अगर डिस्कस करेंगे। पहले डिफिनेशन हमने देखा, अब हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ ए मॉडल हॉस्पिटल। तो फंक्शन ऑफ ए मॉडल हॉस्पिटल, मॉडर्न हॉस्पिटल, ठीक है। तो मॉडर्न हॉस्पिटल का फंक्शन क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लॉ एंड जनरल जो है स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, कैसे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जनरल मेडिकल प्रैक्टिस के द्वारा अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, और इसी के साथ साथ क्या है और क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कैसे करें कि स्पेशल इक्विपमेंट के द्वारा या स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको कैसे हम उचित जो है ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करें, पेशेंट को कैसे उचित ट्रीटमेंट का जो है प्रोवाइड करें, ये सारा ये चीज जो है मॉडर्न हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। और क्या है, कैसे जनरल पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स के बीच में कैसा हम लिंक बनाए, तमाम लोग हेल्थ की पॉलिसी लिए रहते हैं, वो भी आते हैं, उनसे हमें बात करना है, तो हॉस्पिटल का ये भी फंक्शन है मॉडर्न हॉस्पिटल का, टू प्रोवाइड ए कॉमन लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड पब्लिक पॉलिसीज मेकर, मतलब हमें जो पॉलिसीज मेकर्स होते हैं और जनरल पब्लिक के बीच में हमें बताना हमको है कि आपको समय समय पर आपने जो हेल्थ पॉलिसीज ली है उसके बारे में क्या क्या लाभ हो सकता है, कैसे आप हेल्थ पॉलिसी से ले करके क्या क्या ट्रीटमेंट आप फ्री में करवा सकते हैं, ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, इस्टीमेट रिक्वायरमेंट फॉर डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट पॉलिसीज, मतलब कि इस्टीमेट करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी हम एस्टिमेट करते हैं। आगे क्या है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन ऑल पर्सन, देखिए एजुकेशन के माध्यम से हम बहुत हद तक हम डिजीज को कम कर सकते हैं, जैसा कि कम्युनिटी फार्मेसी में हम आपको आगे बढ़ाएंगे कि
कैसे कम्युनिटी में जो डिजीजेस स्प्रेड होती है इनसे रोकथाम के लिए आपको हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में आपने बताया भी था कि कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं। तो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को पर्सन में एजुकेशन को कंटिन्यू करके, पर्सन में एजुकेशन को कंटिन्यू कर करके आप जो है ये हॉस्पिटल का ये फंक्शन है, हॉस्पिटल का ये फंक्शन है क्या कि पार्टिसिपेट करे, फाइनेंशियल प्लान को बनाए, ऑपरेशन कैसे होगा हॉस्पिटल में, बहुत सारी चीजें ये मॉडर्न हॉस्पिटल का फंक्शन है। कैसे हम यूटिलाइज करें रिसर्च प्रोडक्ट के बारे में, कैसे हम सोचें, कैसे हम इम्प्रूव करें पेशेंट के केयर को, पेशेंट के केयर को कैसे हम इम्प्रूव करें, किस तरह जो अदर हॉस्पिटल की सर्विसेज हमारे हॉस्पिटल से भी अब अच्छी क्यों है, इन सब चीजों पर विशेष तरीके से हमें सोचना है, हमें करना होगा। ये एक मॉडर्न हॉस्पिटल, एक मॉडर्न हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट लेकर के दिमाग में आता है। तो ये सारी चीजें जो हमने आपको डिस्कस किया, ये जो है डिफरेंट जो है ये फंक्शन है मॉडर्न हॉस्पिटल्स के, मॉडर्न हॉस्पिटल के ये डिफरेंट फंक्शन है कि प्रोवाइड करना है फैसिलिटीज को, और क्या करना है इनिशिएट करना है, यूटिलाइज करना है, पार्टिसिपेट करना है, ये रिसर्च प्रोग्राम में अपने आप को डिजाइन करना है, उसके इम्प्रूवमेंट को, पेशेंट केयर को डिजाइन करना है अच्छे से, और हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट में कैसी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जा सकती है कि उसके उससे हॉस्पिटल का हमारा इम्प्रूवमेंट हो, ये सारे गोल को दे करके हमको चलना है। इसी क्रम में आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल पर चलते हैं। आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को चलने से पहले आपको हम बता देते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन विभिन्न के बेस पर किया गया है, जैसे क्लिनिकल बेस पर किया गया है, साइज के बेस पे किया गया, कास्ट के बेस पे किया गया है। तो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को हम आपको अगली लेसन या अगले लेक्चर में आप सभी को बताएंगे। आज आपको हमने आपको हॉस्पिटल और फंक्शन ऑफ द मॉडर्न हॉस्पिटल के बारे में बताया कि हॉस्पिटल क्या होता है, आपके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्या है, आखिर हॉस्पिटल किसे कहते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या काम होता है, कौन कौन से स्टाफ होते हैं और क्या क्या विभाग होते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे विभाग होते हैं। और अब आगे हम उसी का क्लासिफिकेशन करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल, क्लिनिकल माने कि क्या क्या ट्रीटमेंट करके या किस टाइप का, कहीं छोटा अस्पताल देखते हैं, कहीं बड़ा अस्पताल देखते हैं, कहीं बहुत बड़ा अस्पताल देखते हैं, कहीं कोई छोटा पेशेंट लगा के खोला हुआ, कहीं छोटा 10-20 बेड का, 50 बेड का है, 50 बेड का नहीं है, कहीं 100 बेड का है, कहीं 500 बेड का है, इन सब चीजें आप अगली कक्षा में आप हमसे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में। थैंक यू क्लास, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को। इस तरह हम आप सभी लोगों को अपनी अनवरत रूप से आपको कक्षाएं देते रहेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।